गुड मॉर्निंग क्लास फोर, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज। टू ए, ओके। तो एक्सरसाइज टू ए में हम लोगों ने क्या देखा था? क्वेश्चन नंबर फाइव तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, ओके। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स? क्वेश्चन नंबर सिक्स इज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। सो व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। मतलब आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? सबसे बड़ा नंबर, ओके। देन आपको क्या लिखना होगा? सबसे छोटा नंबर। मतलब आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ओके। तो इस तरीके से आप नंबर्स को लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट में आपका क्या लिखा है? सबसे पहले आपका लिखा है 12, देखिए इस तरीके से बना है, फिर आपका इस तरीके से बना है, फिर आपका बना है एक्स एक्स आई एक्स, देन आपका है एक्स आई एक्स, देन आई एक्स एंड देन एक्स आई, ओके। तो पहले में नंबर्स को पता होना चाहिए कि नंबर कौन सा है, तभी आप लिख पाओगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये आपका क्या है? 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13, देन 20 प्लस 9 29 एंड 10 प्लस 9 19, 9 एंड 11। तो आप बताइए आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए कैसे लिखेंगे। आपका सबसे छोटा नंबर क्या है? 9। तो आप क्या लिखेंगे? 9, ओके। सॉरी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? सबसे बड़ा नंबर, ओके। तो आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 29। तो आपको क्या लिखना होगा? 29, ओके। देन उसके बाद आपका उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 19। तो आप क्या लिखेंगे? 19। देन उसके बाद कौन सा है? 13। तो आप क्या लिखेंगे? 13। देन आपका क्या है? 12, ओके। देन 11 एंड देन सबसे छोटा नंबर 9, ओके। तो ये आपका क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोमन नंबर्स, ओके। देन आप देखिए क्वेश्चन बी। बी आपका क्या है? लिखा हुआ है एक्स 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 एंड देन एल एंड देन एक्सएल एंड देन एक्स आई एक्स एंड देन एक्स वी आई 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 देन एक्स एक्स आई एक्स, ओके। तो पहले हमें नंबर्स पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, देन उसी के बाद हम नंबर्स को लिख सकते हैं, ओके। तो ये आपका क्या है? 30, ये 50, ये 40 और ये क्या आपका 19, फिर ये क्या आपका 10 प्लस 8 18, ये क्या आपका 29, ओके। तो आप देखिए सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा है? L, ठीक है। तो आप L लिखेंगे, then XN and then X triple X and then XX IX and then 19, तो 19 आपका क्या है? XIX and then XV III, ओके। तो इस तरीके से आपने क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर B को लिखा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर C क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर C में आपका लिखा है XLI X X X I X, ओके। देन देखिए क्या लिखा है? X I X, देन X L V I, देन आपका क्या लिखा है? X V I, देन X X V I I, ओके। थ्री आई है। देन आप देखिए नंबर्स को फाइंड करना होगा कि कौन सा नंबर है पहला, या आपका कौन सा नंबर है? 40 प्लस 1 41, देन 39, देन ये क्या लगा आपका? 19, ये क्या है? 46 एंड ये क्या आपका? 16, फिर ये क्या लगा आपका? 20 प्लस 8 28। तो आप बताइए आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पर 46। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 46, मतलब एक्स एल वी Thank you.
XLVI, ओके, देन आपका क्या है 41, तो 41 लिखेंगे XLI, फिर 39, XXXIX, फिर क्या है आपका 28, ओके, तो क्या हो जाएगा XXVII, देन 19, XIX, एंड देन 16, XVI, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी था। तो आज आप देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स था। अब देखिए हम लिखेंगे राइट द आंसर्स इन रोमन नंबर्स, ये आपके जो आंसर हैं वो आपको रोमन नंबर्स में लिखने हैं, ठीक है। तो हम इसको रोमन नंबर्स के एक्सरसाइज को आज ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लार्ज नंबर्स, ओके। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, ओपन करिए कलकर, राइट दी आंसर्स इन न्यू रोमन नंबर्स। तो पहले आप आंसर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद रोमन नंबर में आपको लिखना है। तो आपका जो ए है वो क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 32, तो आपको 32 रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे 32, 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 32 को 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 है ना, तो क्या हो गया आपका XXXII, ओके, तो ये आपका 32 हो गया, ठीक है। आप सीधे भी लिख सकते हैं 32, मैंने ऐसे लिख दिया 30 ये हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया। देन आप देखिए B, B में आपका क्या है 81 डिवाइडेड बाय 9, ओके, तो आप 81 को डिवाइड करेंगे तो 9 9 जो 81 होता है ना, तो आपका 9 आंसर है, मतलब आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। फिर आप क्या लिखेंगे सी, सी को मैंने क्या लिखा है 12 प्लस 12, ओके, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, तो आप 24 को कैसे लिखेंगे, देखिए 20, ठीक है, और 4 ये हो गया आपका, तो आपने 24 लिख दिया। अभी डी देखेंगे, डी में क्या है, डी लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो कितना आ गया 18, तो आपको क्या करना है 18 लिखना है, तो देखिए कैसे करेंगे 10 प्लस 8 हो गया आपका। देन ई देखेंगे क्या लिखा है 59 माइनस 90, कितना आया आंसर आपका, 9 में से 9 गया माइनस 0, 5 में से 1 गया कितना आया 4, ठीक है, तो आपका कितना आ गया 40 मतलब 50 माइनस 1, तो आपका कितना आ जाएगा XL, ओके। देन एफ देखिए क्या लिखा है आपका, एफ 16 प्लस 9, ओके, 16 प्लस 9 कितना हो गया आपका 25, कितना होगा 25, आप 25 कैसे लिखेंगे XXV, ओके। देन देखिए जी, आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36, ओके, तो आपका क्या होगा XXXVI, ओके। देन एच देखेंगे आप क्या लिखा है एच में, 370 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका कितना आ गया 37, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे XXXVII। देन आई देखिए आपका लास्ट नंबर लिखा हुआ है क्या, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जो 49, मतलब कि क्या हुआ आपका 49। XLXLIX, ओके, ये आपका नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर लिखेंगे, तो आपको ये आज तक के क्वेश्चंस थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कि किस तरीके आपको क्वेश्चन करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।